राधे राधे दोस्तों, आज हम यहाँ पर पुरानी जीन्स और सूट में से बचे हुए कपड़े का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की ये स्क्वेयर्स कट कर ली हैं और इनको देखिए यहाँ पर इस तरह से हम पीसेस को जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से तीन तीन पीस करके मैंने यहाँ पर जोड़ लिए हैं। जैसे कि मैंने बीच में एक जीन्स का पीस लगाया है और दो साइड में ऊपर नीचे सूट वाले, और दूसरे हिस्से में मैंने यहाँ पर बीच में एक सूट वाला पीस लगाया है ऊपर नीचे जीन्स वाले। तो इस तरह से मैंने तीन तीन की यहाँ पर लेयर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हम इनको मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पर बैक की बेल्ट बनाने के लिए 4 इंच चौड़ी यहाँ पर ये एक स्ट्रिप ली है और इस पर मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है और इसको सीधा कर लिया है, और यहाँ पर इसको हम बाद में लगाएंगे बैग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसकी लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पॉलीथीन का यूज़ किया है जो कि आजकल कपड़ों के लिए आती हैं, और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो भी हमने ये पीसेस सिले हैं इनके बीच में हम यहाँ पर सिलाई मशीन से ही सिलाई लगा कर ये डिज़ाइन बना लेंगे, और जो हमने यहाँ पर बेल्ट बनाई थी उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर बैग में जिप लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको सीधा रखते हुए और जिप को उल्टा रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली है, और इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड में भी जिप को अटैच कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर जिप में लॉक डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्रेंड्स मैंने बेल्ट बनाई थी उसको मैंने यहाँ पर साइड से नीचे तक लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैग को उल्टी साइड में इस तरह से लेते हुए और बेल्ट को भी रखते हुए मैंने यहाँ पर दोनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा ली है, और यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इसी तरह से बेल्ट को लगाया है। और अब यहाँ पर नीचे की साइड से हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसका लुक इस तरह से आया है। तो साइड में विड्थ है वो भी इसमें कवर हो गई है, और फ्रेंड्स हमारा बैग बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो और बची हुई कतरन और पुरानी जीन्स का यूज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।